Yes, everyone. Good evening, everyone. Good evening, everyone. जल्दी से बच्चों एक बार मैं चेक कर लूँ क्या मैं लाइव हूँ कि नहीं, क्या मैं ऑडिबल हूँ या नहीं, एक बार बच्चों चेक कर लूँ और मैं शुरू करने वाला हूँ बहुत इम्पोर्टेंट अपना सेशन. यस एवरीवन, आई सीम टू बी लाइव, आई सीम टू बी ऑडिबल एंड इफ एवरीथिंग इज परफेक्ट. शुरू कर रहा हूँ बच्चों आज का अपना बहुत इम्पोर्टेंट सेशन. यस, यू आर वेट फॉर द अल्टीमेट ऑडिट रिविजन इज हियर, इट विल बी कंप्लीटेड एवरीबडी. क्यों सर? बिकॉज बच्चों मैं बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेके आया हूं. इनफैक्ट इस अनाउंसमेंट के साथ में बच्चों मैं बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आया हूं रिविजन की, ऑडिट की, जिसका नाम है OTM सीरीज. यस एवरीबडी, इसका नाम है बच्चों OTM रिविजन सीरीज. OTM का फुल फॉर्म है ओनली दिस मच, यानी ठीक है, अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपको ऑडिट में बच्चों से बहुत 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 बेनिफिट होने वाला है. यस, तो बच्चों अगर हम लोग खुद अपने रिविजन प्लान करते हैं तो हम कैसे प्लान करते हैं? हम बोलते हैं भाई ठीक है, हमें हमने पूरे चैप्टर्स का रिविजन मिल जाना चाहिए अच्छे से. नंबर टू, हमें उसके RTP MTP पास एग्जाम से कम 6-7 एग्जाम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेने चाहिए. यस, हमें ICI की MCQ बुकलेट के MCQ सॉल्व कर लेने चाहिए और ट्रू और फॉल्स सॉल्व कर लेना चाहिए पास एग्जाम्स की. यस, एंड साथ साथ हमें ठीक है राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है सर. तो अगर हम ये सारी चीजें कर ले, यानी रिविजन कर ले नंबर वन, नंबर टू रिविजन के बाद में बच्चों क्वेश्चन सॉल्व कर ले, RTP के क्वेश्चन सॉल्व कर ले, MTP के क्वेश्चन सॉल्व कर ले, पास एग्जाम से क्वेश्चन सॉल्व कर ले, एंड उसके ऊपर ट्रू और फॉल्स जितने पास एग्जाम में आ चुके हैं, ICI के MCQ सॉल्व आ चुके हैं, या आई वुड से कि साथ साथ सर टेस्ट सीरीज भी इस पे हो जाए चैप्टर वाइज तो सर मजा ही आ जाएगा. यस बच्चों, तो ये सारे आपके नीड्स को और आपके डिमांड को ध्यान में रखते हुए बच्चों मैं OTM रिविजन सीरीज लेके आ रहा हूं. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस इज फ्री फॉर ऑल ऑफ यू. यस, जितने भी बच्चे मेरे साथ लाइव में, आपको बता दूं दिस इज टोटली फ्री फॉर ऑल ऑफ यू. यस, यहां पे मैं क्या कराने वाला हूं, हर चीज जो मैंने बच्चों आपको अभी यहां पे बोली है ये होने वाली है, और ये होने वाली है अनअकैडमी के ग्रुप 2, इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के यूट्यूब चैनल पे. आई रिपीट, ये होने वाले बच्चों अनअकैडमी के इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 चैनल पे एवरीबॉडी. यस, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से इस सेशन को आखिर तक सुनना, आपको इस सेशन के बाद में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, मैं आपको उसका प्रॉमिस कर रहा हूं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ये रिविजन कब से शुरू होने वाला है बच्चों? ये रिविजन शुरू होने वाला है 5th of August से, मतलब कल से ही. यस, यू कैन सी मैंने रिविजन कैसे प्लान किया है. अपना टाइम फिक्स है बच्चों रोज रात को 10:30 बजे, मतलब अगर आप रेगुलर क्लासेस कर रहे हो ग्रुप 2 की तो आपके लिए भी रिविजन के लिए बच्चों ये बेस्ट ऑप्शन है. अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हो तो आप लोगों के लिए भी रिविजन के लिए बेस्ट टाइम सूट किया है बच्चों. ऐसा टाइम मैंने डिसाइड किया है, इट इज सुटेबल फॉर ऑल ऑफ यू. तो मेरा सेशन होगा बच्चों रोज 10:30 बजे से लेकर 11:30 या 12 बजे तक मैक्सिमम. एंड यू कैन सी मैंने प्लान कैसा किया है बच्चों. मैंने प्लान किया है कि एक दिन हम रिवाइज करने वाले हैं, नेक्स्ट दिन उस पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. एक दिन हम रिवाइज करने वाले हैं, नेक्स्ट दिन उस पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, यहां पे मिस्टेक है इसलिए डोंट वरी, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे ठीक है रिवाइज शेड्यूल फॉलो कर दूंगा. ये चैप्टर नंबर 11 था, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 ही कॉपी पेस्ट कर दिया है, वो स्टाफ तुमको पता है कैसा होता है, बट टेंशन मत लो. ठीक है, ये रिवाइज शेड्यूल मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा. मैं आपको सिर्फ ओवरऑल बता रहा हूं कि बच्चों देखो ठीक है, हम रिविजन्स लेके आने वाले हैं. ये शुरू होने वाला है 5th of August से, बच्चों खत्म होने वाला है 20 September को. इज इट क्लियर? यानी समय आप बोल सकते हो 45 days का बच्चों ये हम लोग का सेशन होने वाला है. ठीक है, इसमें 8th-9th August हो गया, 10th-11th August हो गया, 12th-13th August हो गया बच्चों. ऐसे कुछ कुछ विषय मैंने, अगर आप ब्रेक्स देखोगे तो ब्रेक्स मैक्सिमम किसके हैं, या तो सैटरडे संडे के ब्रेक है या बच्चों टेस्ट सीरीज के ब्रेक्स हैं. और अगर इसमें ब्रेक भी आप लोगों को दिख रहा है बच्चों तो याद रखना कि दिस ब्रेक्स आर ठीक है
फॉर टेस्ट सीरीज। सर हम टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करने वाले हैं। यस बच्चों, हम टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करने वाले हैं। मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। ये देखो बच्चों, टेस्ट सीरीज का शेड्यूल भी आप लोगों के सामने दिख रहा है, राइट? ठीक है, टेस्ट सीरीज सर कैसे होने वाले हैं मैं आपको वो बता दूं बच्चों। टेस्ट सीरीज भी एक कुछ यूनिक स्टाइल में मैं लेने वाला हूं, ठीक है, जिसमें एक दिन में बच्चों मैं आप लोगों को टेस्ट पोस्ट कर दूंगा, नेक्स्ट डे उस टेस्ट पे डिस्कशन करेंगे हम लोग। और डिस्कशन बच्चों नॉर्मल डिस्कशन नहीं होने वाला, मैं इसको आपको क्लैरिफाई कर दूं इस पे, ठीक है बच्चों। मैं आपको एक एक क्वेश्चन कैसे लिखना चाहिए, इनफैक्ट मैं स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि आप अपने अपने आंसर्स पोस्ट करो, और चार पांच स्टूडेंट्स के बच्चों में आंसर्स को एनालाइज करते हुए आपको बताऊंगा कि यहाँ पर लिखने में क्या गलती हुई, कौन सा पॉइंट कवर करना चाहिए था, कौन सा पॉइंट नहीं कवर करना चाहिए था, मार्किंग कैसे करना है बच्चों। ऐसे में हर क्वेश्चन में स्टूडेंट से करवाने वाला हूं। यस, ऐसे बच्चों में हर क्वेश्चन में स्टूडेंट से करवाने वाला हूं। आप देख सकते हो बच्चों 14 अगस्त को, ठीक है, ये चार चैप्टर में टेस्ट है, फिर 26 अगस्त को यानी थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में टेस्ट है, फिर डिस्कशन है, फिर चैप्टर में 12-13 पे है, फिर बच्चों ऐसे चैप्टर वाइज टेस्ट लेने के बाद में 1 अक्टूबर को आप देख सकते हो मैं फुल पोर्शन टेस्ट लेने वाला हूं बच्चों। तो टेस्ट भी मैंने डिवाइड करके रखा हुआ है, टेस्ट भी बच्चों मैंने डिवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है, प्रॉपरली ऐसे, ओके, कि आप जो जो मेरे साथ में रिवीजन करोगे उसके साथ में बच्चों आप लोगों का टेस्ट भी हो जाएगा। यस बच्चों, दिस इज द प्लान, आई रिपीट बच्चों, दिस इज द प्लान जो आपके सामने है, आप देख सकते हो करीब, ठीक है, 24 सितंबर तक हमारा पूरा रिवीजन कंप्लीट हो रहा है बच्चों। और ये रिवीजन होने के बाद मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, एक बार ये पूरा रिवीजन कराने के बाद, देखो आप देख सकते हो बच्चों उसमें ये पूरा रिवीजन करवाने के बाद हर एक चैप्टर बच्चों उसमें कवर है, एवरी सिंगल चैप्टर इज कवर्ड इन दिस रिवीजन। अभी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि बच्चों ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं आप लोग को बता रहा हूं, ये जो बच्चों मेरा टेलीग्राम चैनल है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हो बच्चों, और स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, बिकॉज हर सेशन के पहले लिंक मैं यही प्रोवाइड करने वाला हूं। अब सर रिविजन कहां पे होने वाले बच्चों, रिविजन होने वाले हैं, यस जस्ट मिनट, 1 घंटा होगा मोस्ट ऑफली, ऑन एवरेज 1 घंटा होगा, ज्यादा से ज्यादा कभी कोई चीज हो गई तो, बढ़ गई तो 1 से 1.5 घंटा होगा, अदरवाइज मैं प्लान कर रहा हूं 1 घंटा। हाँ, संडेज को मैं कुछ सेशन लेने वाला हूं, वो बेटा 2 से 2.5 घंटे के हो सकते हैं, ठीक है, संडेज को मैं सेशन लेने वाला हूं वो 2 से 2.5 घंटे हो सकते हैं बच्चों। तो आप देख सकते हो बच्चों यूट्यूब पे हम रिविजन करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। मैं आप लोगों को बता रहा हूं बच्चों अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इज टोटली फ्री, आपको सिर्फ अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, गोल में डालना पड़ेगा CA एंटर, मेरे सेशन की लिंक आपके पास होगी बच्चों। आपको मेरे जितने भी सेशन देखने हैं, ना सिर्फ मेरे, किसी भी और एजुकेटर के सेशन देखने ऐप पे बच्चों आप देख सकते हो, बस आपको एक कोड यूज करना पड़ता है, आप यूज कर सकते हो मेरा कोड, दैट इज KUNAL कुनाल। तो बच्चों 5 अगस्त से रिवीजन शुरू होगा और मैंने सफिशिएंट टाइम दिया है आप लोग को इस बार, और बच्चों हम एकदम रिलीजियसली टाइम्स को फॉलो करेंगे, चाहे वो टाइम रिविजन्स के लिए हो, डिस्कशंस के लिए हो, या बच्चों ठीक है वो टेस्ट सीरीज का टाइम टेबल हो, राइट? ठीक है, हर आप देख सकते हो 1-2 हफ्ते के अंदर में, साथ साथ 2-2 वीक के डिफरेंस में बच्चों मैं आपका टेस्ट भी कंडक्ट करने वाला हूं, और टेस्ट के बच्चों लाइव आप लोगों के आंसर्स चेक करते हुए डिस्कशन करने वाला हूं कि भाई ये लिखना चाहिए था, ये नहीं लिखना चाहिए था। ऑल्सो बच्चों मुझे पता है कि इस बार किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, तो हमारा यहाँ पे इंटेंशन बहुत सिंपल रहेगा कि जितना ज्यादा हम कवर कर सके उतना बच्चों हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, मोस्टली तो मैं पूरा ही कवर करने की बच्चों यहाँ पे कोशिश करूंगा। यस, तो बच्चों प्लान बहुत सिंपल है, अभी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, वहां बच्चों मैं आपको शेड्यूल पूरा भेज दूंगा, ठीक है। यहाँ गलती हुई है, एक चैप्टर नंबर 11 ऑडिट रिपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। और बच्चों ये अब शेड्यूल जो है वो पूरी तरह से फॉलो होने वाला है, बीच में हमने एक रिविजन शुरू किया था वो हमने कंप्लीट नहीं कर पाए थे, उसके पीछे कुछ लॉजिस्टिक रीजंस थे, मेरे टेक्निकल रीजंस थे, और बच्चों अब सॉर्ट हो गए। बीच बीच में आप देखोगे मैंने 1-2 दिन का ब्रेक लिया है, उसके लिए रीजन बहुत सिंपल है बच्चों, ताकि मैं अपने गले को प्रिजर्व कर सकूं, ताकि अननेसेसरी आप लोगों की छुट्टी ना हो,
ओके okay, गले को प्रिजर्व कर सकूं, अननेसेसरी आप लोगों की छुट्टी ना हो। टाइम बच्चों फिक्स रहेगा, चाहे वो यूट्यूब के रिवीजन सेशन का टाइम हो या फिर बच्चों आप लोगों के अन अकेडमिकल लर्निंग ऐप का टाइम हो, टाइम बच्चों हमेशा सेम रहेगा। यस बीच में 23 की शादी के लिए मैं 2-3 दिन की छुट्टी ली, आप देख सकते हो। फिर 28 अगस्त के बाद में 29 अगस्त के बाद बच्चों 3-4 दिन का ब्रेक लिया है, इससे भी हम टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं ताकि 3-4 दिन मुझे भी थोड़ा रिलैक्सिंग ब्रेक मिले। या नेव इस बार जो शेड्यूल प्लान किया है ना बच्चों, बहुत जबरदस्त शेड्यूल है, इससे आपका प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। आपको कुछ चीजें याद रखनी है। नंबर वन, ये शुरू होने वाला है बच्चों 5th ऑफ अगस्त से, खत्म होने वाला है बच्चों करीब 20-22 सितंबर के आसपास। बीच के ब्रेक्स में बच्चों हमने टेस्ट सीरीज भी प्लान की है। टाइम रहने वाला है रोज रात को 10:30 बजे। आपका सब कुछ खत्म होने के बाद में आप ठीक है मेरे साथ में ज्वाइन कर सकते हो। साहिल का बोलना है सर मैं ऑयल फर्स्ट टाइम कर रहा हूं। साहिल देखो मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा, आई डोंट नो कि फर्स्ट टाइम जो बच्चा कर रहा है ठीक है वो इससे कितना बेनिफिट ले सकता है। बिकॉज ठीक है एक बात क्लियर है बच्चों, जो जो मैं पढ़ाऊंगा अगर आपने घर पर जाके वो लर्न कर लिया और उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले तो आई पर्सनली फील कि हाँ आपको उससे बहुत बेनिफिट हो जाएगा। बट कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं होंगी बेटा, कंसेप्ट बिल्डिंग यहां नहीं होंगी, एग्जाम्पल्स यहां पे नहीं होंगे, यहां पे रिविजन्स होंगी ठीक है। रिविजन और रेगुलर क्लास में बच्चों क्या फर्क है, रिविजन रेगुलर क्लास में ये फर्क है कि बच्चों यहाँ पे रिविजन से हम एग्जाम्पल्स नहीं देते ठीक है, हम एक्सप्लेनेशन नहीं देते, हम सीधा बता दें कि ये कंसेप्ट है। थोड़ा सा मैं हल्का सा कंसेप्ट बिल्डिंग कर देता हूँ रिविजन करते समय, तो ठीक है आपका ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई आप जब फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो तो कैसे करोगे। बट बच्चों इसके साथ साथ और क्या होगा सुन लो, इसके साथ साथ बच्चों मैं आप लोगों को हर सेशन के बाद में उस सेशन के फ्री फ्लो चार्ट नोट्स भी देने वाला हूं। यानी आपको नोट्स ना सिर्फ रिविजन के मिलने वाले हैं, जैसे बच्चों आज मैंने लॉ का सिमिलर सेशन लिया, मैं लॉ के नोट्स ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं मेरे ठीक है टेलीग्राम चैनल पे राइट। तो मैं आपको फ्लोचार्ट नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा बच्चों, जो बहुत अमेजिंग नोट्स होंगे, जो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड नोट्स होंगे एंड साथ साथ बच्चों उसमें मेजर कॉन्सेप्ट्स भी कवर होंगे। सेम वे अगर आप स्पेशल क्लास ज्वाइन करते हो बच्चों, स्पेशल क्लास खत्म होने के बाद में ऑटोमेटिकली डाउनलोड में ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो आपको आरटीपी एमटीपी और पास हिसाब से क्वेश्चंस के भी बच्चों ठीक है नोट्स मिल जाएंगे, मतलब आपके पास एग्जॉस्टिव नोट्स रहेंगे। और ये जो आरटीपी एमटीपी की बात कर रहा हूं बच्चों मैं, वो भी पिछले 6 एग्जाम्स की आरटीपी एमटीपी, पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस के डिस्कशंस, आईसीआई के एमसीक्यू बुक के डिस्कशंस, ट्रू और फॉल्स सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूं। हाँ बसव राजू सर आई एम टाइगर एंड स्टूडेंट, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन आंसर्स एंड पॉइंट। ठीक है बच्चों यही बात है, देखो ये टेस्ट सीरीज जो होने वाली है ना, दिस इज गोइंग टू बी मैजिकल। क्यों? क्योंकि यहां पे मैं ना सिर्फ आप लोगों को बताऊंगा कि लिखते कैसे, और बच्चों ये एक टेस्ट नहीं ले रहे हम, 1, 2, 3, 4, 5 टेस्ट ले रहे हम लोग ठीक है। तो दिस टेस्ट इज गोइंग टू बी रियली मैजिकल बिकॉज ठीक है यहां बच्चों ना सिर्फ लिखना बताऊंगा आपको बल्कि स्टूडेंट्स के आंसर जब चेक करूंगा, आप जब टेस्ट से बच्चों पार्टिसिपेट करोगे, यू विल कम टू नो कि भाई कौन क्या सही कर रहा है कौन क्या गलत कर रहा है। ऑटोमेटिकली आपका ठीक है आंसर लिखने का जो कंसर्न है वो पूरा हो जाएगा। ऑल्सो मेरी रिविजन होने के बाद में बच्चों मैं राइटिंग प्रैक्टिस लेने वाला हूँ, मैं आप लोगों को बता दूं रिविजन होने के बाद में मैं राइटिंग प्रैक्टिस ही लेने वाला हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ आप मेरे साथ में कनेक्टेड रहो। मैं आपको एग्जाम तक बच्चों ये रिविजन भी करा दूंगा, इसके बाद में एक सीरीज लेके आता हूँ बच्चों में 20 दिन ऑडिट इन सीरीज, 20 दिन में पूरा ऑडिट और एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। उसके बाद बच्चों में एग्जाम के पहले आप लोगों का मैराथन रिविजन लेता हूँ ठीक है, वो भी मैं बच्चों कंप्लीट करवा देता हूँ। यानी आपको 3 रिविजन मैं खुद करा दूंगा ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस के बच्चों हमारे अलग से सेशंस होने वाले हैं, बट 24th के बाद में राइटिंग प्रैक्टिस के बच्चों हमारे अलग सेशन होने वाले हैं, लेकिन 25th के बाद में ओके परफेक्ट ठीक है। सो यस हिमांशु एमसीक्यू के पोल्स हो गए सब 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 हम डिस्कस करने वाले, डोंट वरी अबाउट एवरीथिंग। आपको आपको बच्चों हर एक का आंसर डिस्कशन, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन के रिटर्न आंसर सब कुछ मिलने वाले हैं, आप उससे बहुत अच्छे से बच्चों एनालिसिस कर सकते हो। दैट इज माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। यस और
जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ऑल टुगेदर, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, या मैं आप लोग को बता दूं, इट्स माय पर्सनल सजेशन टू ऑल ऑफ यू, कि आप फर्स्ट टाइम ही ऑडिट पढ़ने वाले हैं, आप कोशिश तो कर सकते हो रिवीजन करके, ठीक है, मेरे साथ में. बट आपको मैं सही ओपिनियन दूं तो बच्चों, हम लोगों ने अभी प्लस बैच में, मतलब पेड बैच में बच्चों, ठीक है, सारथी बैच शुरू किया है 3rd of August से, यानी अभी ये बैच शुरू है बच्चों, 2 लेक्चर भी नहीं हुए हैं इसके. इस तरह देख सकते हो सारे अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स ग्रुप 2 के बच्चों एक जगह पे हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है. जहां से रखे बच्चों, अनअकैडमी में 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले लो, ये बैच भी 30 सितंबर तक कंप्लीट होगी, 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले लो बच्चों. इस बैच को ज्वाइन करने का फायदा ये है कि इस बैच में, ठीक है, आपको नोट्स पूरे प्रोवाइड होते हैं, सेपरेट टेलीग्राम चैनल फॉर डाउट डिस्कशन प्रोवाइड होता है, ठीक है, आरटीपी एमटीपी डिस्कशन हम लोग करेंगे और बहुत कुछ करने वाले बच्चों. 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लस भी लेते हो तो अराउंड, ठीक है, डिस्काउंट बढ़ के बच्चों 12-13-14 हज़ार रुपये तक आपको मिल जाता है तीनों सब्जेक्ट के लिए. नाउ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अगर 6 मंथ्स का लेते हो तो करीब 20 हज़ार रुपये में आ जाएगा, 12 महीने का लेते हो बच्चों 27 हज़ार रुपये तक आ जाएगा, तो आप पे डिपेंड करता है. पर अगर आप एकदम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आप लोग को प्योरली फास्ट ट्रैक बैच. बाकी मैं जो यूट्यूब पे ये फास्ट ट्रैक बैच का अनाउंसमेंट कर रहा हूँ बच्चों, ये टोटली फ्री है, ये टोटली फ्री है, दिस इज टोटली फ्री क्लास. तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अनाउंसमेंट कर चुका हूं बच्चों, अब मैं आता हूं हिमांशु बोला सर लॉ के ऐसे फ्री क्लास से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ था, आपने 4 बार रिवीजन करवाया था, थैंक यू सो मच एंड आई कुड क्लियर इट. ग्रेट हिमांशु, यही सेम अटेम्प्ट बच्चों इस बार मैं ऑडिट के साथ में करने वाला हूं. फिर से आखिर बता दू सारे बच्चों को, ठीक है, दिस इज द बैच, ये टाइमिंग्स दिए हुए हैं. मैं रिवाइज शेड्यूल आप लोगों को अनअकैडमी के ओनरशिप पर, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है बच्चों, यहां प्रोवाइड कर दूंगा. और ये होने वाला है सीए इंटर ग्रुप टू चैनल में, तो ये अनाउंसमेंट मैं ग्रुप टू चैनल पे भी कर रहा हूं, अपने पर्सनल चैनल पे भी कर रहा हूं. अभी जो अनाउंसमेंट डायरेक्ट लाइव चल रही है बच्चों, वो होने वाली है मेरे ग्रुप, तो ये ग्रुप टू चैनल पे ही हो रही है, तो इसी को जाके बच्चों सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि मैं जो जो सेशन लेने वाला हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. ऑल्सो बच्चों, ठीक है, ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे जाके ज्वाइन कर लो, बिकॉज अब मैं जितने भी सेशंस लेने वाला हूं सबके लिंक बच्चों यही प्रोवाइड करने वाला हूं. तो अभिषेक का क्वेश्चन है सर, सीएमए का सिलेबस इससे कंप्लीट होगा क्या? अभिषेक माय आंसर इज वेरी सिंपल, मैंने शेड्यूल डे 1 से आपको दे दिया है. अब आपके सीएमए कौन कौन से टॉपिक्स है जो मैच होते हैं, ठीक है, आप देख लो और उन रिविजन से बेटा आ जाओ. तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है बच्चों, इससे एग्जॉस्टिव, इससे डिटेल रिवीजन आप लोगों का यूट्यूब पे कहीं नहीं होने वाला है, एंड इट इज अ चैलेंज टू एवरीबॉडी. तो डेफिनेटली इसके साथ में अगर आप लोगों ने अपने स्टडीज को अलाइन कर दिया तो आई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, यू आर गोइंग टू किल इन योर एग्जाम्स. यस, आई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू बच्चों, यू आर गोइंग टू किल इन योर एग्जाम्स, राइट. और मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे, मैं आपको इनफैक्ट एक लिंक भी देने वाला हूँ जिसके अंदर सारे लॉ के और ऑयल के रिविजन्स के नोट्स भी आप लोगों को बच्चों वहीं पे मिल जाएंगे. तो बच्चों बस आपसे यही गुजारिश है, ठीक है, दिस इज अ वेरी अमेजिंग सीरीज जो बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ. आई एम वेरी श्योर कि ये आप लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है. आप लोगों को सिर्फ क्या करना है बच्चों, आप लोगों को क्या करना है बच्चों, ठीक है, आप लोगों को बस इसके साथ में स्टडीज को अलाइन कर देना है और बाद में बच्चों ऑयल का टेंशन खत्म कर देना है. ओके, यस, परफेक्ट एवरीवन. आई होप ये सेशन आप लोग के बेनिफिशियल रहा हो. आप अगर रिवीजन करना चाहते हो, बाकी फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करना चाहते हो बच्चों, आप ये कर सकते हो, आपको इससे बहुत 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 बेनिफिट होने वाला है. ओके, दैट्स इट फ्रॉम टुडे. आई होप ये आपको अनाउंसमेंट मिल गया होगा. ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है बच्चों, जाके वो ज्वाइन कर लेना, ये मत भूलना, दिस विल बी रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. परफेक्ट, थैंक यू सो मच. ठीक है, प्लीज बच्चों अगर जेन्युइनली आपको ये शेड्यूल अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट करके मुझे बताए कि आपको ये कैसा लग रहा है, कुछ चेंजेस करवाने हैं इसमें तो आप मुझे वो भी बता सकते हो बच्चों. अभी भी हमारे पास टाइम है, हम डेफिनेटली कर सकते हैं, बट आई जस्ट वॉन्ट कि आपके लिए जो बेस्ट पॉसिबल हर चीज मैं कर सकूं बच्चों, वो इस
रिविजन के थ्रू मैं आप लोगों के लिए करना चाहता हूँ। ऑल्सो मैं सभी बच्चों को अनाउंसमेंट कर दूं कि लॉ का भी रिविजन मैंने शुरू किया है अनअकैडमी के ग्रुप वन चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे जाकर गए तो आपको बच्चों वो भी सेशंस का पूरा शेड्यूल और लिंक मिल जाएगा। ओके, ऐसा ही प्लान मैंने सीए इंटर लॉ के लिए भी बच्चों बनाया है। यस दिवंश, मैं पीडीएफ फाइल अपलोड कर दूंगा शेड्यूल की। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, सी यू ऑल टुमारो 5th of August रात को 10:30 बजे। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।